हाय गाइज, कैसे हो? मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्रेलिक लैमिनेट को पेस्ट करना। तो आइए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये 1.2 mm का एक्रेलिक लैमिनेट है। इसको हम लोग स्टोर पर पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, हम लोग जो एडेसिव यूज करेंगे वो हमारा फेविकोल का प्रोबोंड होगा। देख पा रहे हैं इसको, जैसा हम लोग नॉर्मली माइका लगाते हैं उसी तरीके से इस एडेसिव को अप्लाई करेंगे इस एक्रेलिक शीट के पीछे की साइड में। देख सकते हैं, अप्लाई करने के बाद दोस्तों हम लोग जो हमारा डोर है उस पर भी इस एडेसिव को लगाएंगे। और डोर पर दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप के प्लाई पर कोई भी मार्क वगैरह हो, प्लाई का जो ब्लैक कलर का आता है उसको आपको मिटा लेना है, हटा लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो ये एक्रेलिक लैमिनेट रहेगा उसमें बबल्स वगैरह आने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि दोस्तों वो बाद में निकल जाता है वहाँ से। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोबोंड एडेसिव को लगा देना है अच्छी तरीके से। आपको थोड़ा सा कम नहीं लगाना है पतला, क्योंकि दोस्तों ये जल्दी सूखता है और सूख जाएगा तो ये बराबर नहीं पकड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस लैमिनेट को उठाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको रखते हुए इसकी घिसाई करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें एयर वगैरह ना रहने पाए और इसकी अच्छी तरीके से दोस्तों आपको घिसाई करनी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मास्किंग टेप की सहायता से इसके चारों तरफ टेप लगा देंगे। और टेप लगाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से दबा करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक से अधिक दरवाजे हैं तो सबको एक साथ में रख करके इसके ऊपर कुछ वजन, प्लाई का टुकड़ा वगैरह सब रख करके रख दीजिए और इसको थोड़ा सा वेट कीजिए अच्छी तरह से सूखने के लिए। इसके बाद दोस्तों आप इसको सफाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करूंगा कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।